सपने बड़े देखो, सच जरूर होते हैं। जिंदगी एक सफर है, मंजिल आपको ढूंढनी है। चलते रहना है, चलते रहना है, मंजिल मिलती जाएगी। मेरे बड़े भाई ने जब मुझे बोला कि चल मेरे साथ चेन्नई चल, वहीं चल के कुछ करते हैं, तब तक ये नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, क्यों कर रहा हूँ। बस दिल की सुनी और बोला कि चलो यार चल देते हैं साथ। जैसे ही मैं चेन्नई पहुंचता हूँ, देखता हूँ कि यार 15 माले की बिल्डिंग, 20 माले की बिल्डिंग, 25 माले की बिल्डिंग में, यार ये ऐसा भी होता है संसार। पहली बार लैपटॉप देखा वहां जाके, कह रहे यार किस भी मशीन होती है कोई। पहली बार इंटरनेट देखा वहां पर जाके कि यार इंटरनेट तेरे पास में। पहली बार यूट्यूब पे वीडियो देखा कि अरे यार टीवी के बिना भी वीडियो देखे जाते हैं। पागल हो गया दिमाग कि यार छोटे से गांव के बच्चे को इतना सब कुछ देखने को मिल गया। इच्छाएं और बढ़ने लग गई, कुछ और करने का मन करने लग गया, कुछ बड़ा करना था, सपने बड़े थे। सोचा कि यार आप तो करेंगे कुछ ना कुछ। ये अपॉर्चुनिटी, ये मौके बार बार किसको मिलते नहीं, अपने को मिले हैं, अपन करते हैं। जिंदगी एक सफर है, मंजिल आपको ढूंढनी है। चलते रहना है, चलते रहना है, मंजिल मिलती जाएगी। आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता जो आप काम करते हो उसके लिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैंने पापा से सीखी थी। तो मेरे पापा का अनाज का बिजनेस था, जो गांव से फार्मर से अनाज लेके आते थे और उसको मार्केट में बेच के आते थे। तो हर सुबह वो 4 बजे उठ के अपना बिजनेस का तैयारी करते थे, टोल जो होता था उसको साफ सफाई करते थे और पूरा दिन अपना काम करते थे। रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, सोते थे और हर रोज सुबह 4 बजे उठते थे। यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है, इतना कोई कंसिस्टेंसली कैसे काम कर सकता है, इतना डिसिप्लिन किसी में कैसे आ सकता है। वहां से मुझे समझ में आया कि अगर लाइफ को एक बेहतर बनाना है और लाइफ में कुछ हासिल करना है तो सबसे जरूरी है वो है डिसिप्लिन। बिलीव मी, मेरी 7 साल की जर्नी में मैं आज तक कभी भी ऑफिस में लेट नहीं हुआ, मैं आज तक कभी भी मैंने छुट्टी नहीं ली किसी भी प्रकार की, और आज तक मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं यार आज ऑफिस नहीं जाते, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है जब आपको कुछ करना होता है। कोई भी चीज को अगर बड़ा बनाना है, कोई भी चीज में अगर आपको लंबा पहुंचना है, तो एक कहावत है कि अगर जल्दी जाना है तो आप अकेले चले जाइए, बट अगर दूर जाना है तो साथ चलना पड़ेगा। उस समय पे हमारी टीम ने साथ दिया हमारा, एंड उस समय के जो लोग हैं आज ऑफकोर्स उन्हीं की बदौलत हम आज यहाँ पे हैं, यहाँ बात कर पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं इस कहानी के बारे में। जब हम कॉलेज में थे तब हमने फेसबुक देखा, यूट्यूब देखा, याहू देखा, अमेजोन देखा, सारी कंपनियां अपने अपने कैटेगरी में नंबर 1 कंपनीज हैं, सब में भारत के लोग काम करते हैं, बट कोई भी भारत से नहीं बनी, ईगो हर्ट हो गया। कुछ ऐसा बनाना है कि जो भारत से होगा, भारत के लोगों ने बनाया होगा और विश्व में वो नंबर 1 होगा। आज भारत में तो हम नंबर 1 हो गए हैं। काम से मोहब्बत करो, कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा। बिलीव मी, मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ काम से कि अगर मैं परेशान भी होता हूँ, अगर मैं उठने की हालत में नहीं होता हूँ, मुझे वो इतना मोटिवेशन मिलता है क्योंकि मैंने वो लाइफ चूज की हुई है। एक चीज बताता हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी आई है, अगर आपको अब लग नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ लाइफ में, आप एक बार ये भी तो सोच के देखे कि और किसी में आ भी नहीं सकती है, क्योंकि आपने वो लाइफ चूज की है। तो एवरी टाइम जब भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि नहीं यार अब क्या करें, तब एक ही चीज समझ में आती है कि किसी ने बोला तो नहीं था तेरे को ये करने के लिए, तूने तो चूज किया था इसे। लेट्स फाइट बैक, लेट्स सर्वाइव इन दिस सिचुएशन, क्योंकि किसी महान इंसान ने एक बात बोली है कि आज तो बहुत बड़ी कठिनाइयां आने वाली हैं, कल उससे भी ज्यादा आने वाली है, बट जो परसों का सवेरा है ना वो बहुत ब्राइट होने वाला है। लेकिन सारे लोग, मैक्सिमम लोग कल शाम को ही मर जाते हैं, तो वो अगला सुबह देख ही नहीं पाते। तो अगर आपको उस चीज को हासिल करना है तो उससे अगले सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुबह भी अच्छी होगी और आपकी जिंदगी में जो आप वहां करना चाहते थे, जहां पहुंचना चाहते थे, आप वहां भी पहुंच जाओगे। तो उस समय पे वो लेसन लर्न किया जाता है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको वहां पहुंचना है जहां पहुंचना चाहते थे। तो उसका एक ही तरीका है, खड़ा रहना है। लाइफ में कुछ भी चीजें आसान नहीं होती है।
जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पापा ने ये नहीं बोला था कि बेटा अब लाइफ में आसान होने वाला है सब, आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं एक ही बात बोलूंगा कि सपने बड़े देखो सच जरूर होते हैं। अगर एक छोटे शहर का लड़का आज यहाँ पहुँच सकता है तो कोई भी कहीं भी पहुँच सकता है। अगर सपने बड़े होने चाहिए, इच्छाएं बड़ी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे और वीडियोज देखने के लिए लाइक बटन दबाना ना भूलें।